श्री आत्म मनोहर जैन आराधना मंदिर इंद्री कैथल रोड की ओर से संस्थान के प्रेरक उपप्रवर्तक पीयूष मुनि महाराज की सत्प्रेरणा से लगभग 3000 लोगों को खाद्य सामग्री वितरित की गई। इस दौरान प्रसाद के तौर पर पूरी पेठा तथा नमकीन चावल बांटे गए। सिविल सर्जन तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अश्विनी आहूजा, जिला भाजपा किसान मोर्चा अध्यक्ष तथा SS कंस्ट्रक्शन कंपनी के निदेशक सतीश राणा एवं पूर्व उद्योग मंत्री शशिपाल मेहता भोजन वितरण सेवा में लगी गाड़ियों को रवाना करने के लिए उपस्थित हुए। इस अवसर पर उपप्रवर्तक पीयूष मुनि महाराज ने अपने संदेश में कहा कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए सभी सरकारी निर्देशों का पालन करना चाहिए, क्योंकि सावधानी न रखने जाने पर संक्रमण की आशंकाएं बढ़ जाती है। उन्होंने संकट की घड़ी में दूसरों के लिए सहायक बनकर परोपकार करने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि दूसरों की भलाई में अपनी भी भलाई रही होगी, परोपकार की तरह और कोई आनंद नहीं है। दूसरों का भला करने में जो आनंद आता है वह व्यक्तिगत भोग उपभोग द्वारा मिलने वाले आनंद से उन्नत और शुद्ध होता है। पर हित की भावना जिस व्यक्ति के मन में रहती है उसके लिए तीन लोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। CMO डॉक्टर अश्विनी आहूजा, जो महामारी विशेषज्ञ हैं, उन्होंने जनता को कोरोना के विषय में समझाते हुए सर्वप्रथम लॉकडाउन का पूर्णतः पालन करने की प्रेरणा दी। वहीं जिला किसान मोर्चा अध्यक्ष समाज सेवी सतीश राणा तथा पूर्व उद्योग मंत्री शशिपाल मेहता ने पीयूष मुनि महाराज को इतनी अधिक संख्या में जरूरतमंद लोगों को प्रतिदिन लंबे समय तक भोजन उपलब्ध करवाने की अनूठी प्रेरणा के लिए साधुवाद दिया। साथ ही इन द्वारा इस सेवा प्रकल्प से जुड़े सभी सेवादारों का आभार प्रकट किया। आपको बता दें कि पूर्व डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर राकेश मित्तल भी इस अवसर पर मौजूद रहे। देखिए एक रिपोर्ट। मानव सेवा की श्रृंखला में आज हमारे मध्य श्री आत्म मनोहर जैन आराधना मंदिर में पहुंचे हैं पूर्व उद्योग मंत्री श्री शशिपाल मेहता जी, जिनके बारे में आप सब लोग परिचित ही हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा, पहले तो मैं यहां पर पहुंचने पर सभा की ओर से उनका हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करता हूं। और अब मैं निवेदन करूंगा कि कोरोना महामारी की इस घड़ी में लोगों को जागरूक करने के लिए और जैन आराधना मंदिर द्वारा प्रयासों के बारे में वो अपने कुछ विचार रखें और हमारा मार्गदर्शन करें। महाराज जी के चरणों में प्रणाम। महाराज जी के आदेश हुए और मैं यहाँ आया। आज जो महाराज जी ये काम कर रहे हैं, ये कार्य तो है बहुत अच्छा, क्योंकि हम सबको सहयोग करना चाहिए। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने आदेश किए हैं कि 3 मई तक लॉकडाउन रखना है, और CM साहब ने भी कहा है, वो लॉकडाउन की पालना करते हुए जो आज समाज की सेवा कर रहे हो, ये अति उत्तम है। किसी को भोजन देना, भोजन पहुँचाना, ये छोटी बात नहीं है। ये अपना प्रभु की कृपा से, महाराज जी के आशीर्वाद से ये सारा सामान डेली आप 300-400 लोगों के लिए भेजते हो। 3000 लोगों के लिए रोज आप भोजन बनवा करके भेजते हो, कच्चा भेजते हो, जहाँ भी किसी को जरूरत है पका हुआ भेजते हो। इससे बढ़िया काम कोई नहीं है। और मैं समझता हूँ हमें यहाँ करनाल में सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं का हर तरीके से सरकार को भी सहयोग है, सरकार का सारी धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं को सरकार का भी सहयोग है। तो ये परमात्मा करे जल्दी से जल्दी इनके आशीर्वाद से कोरोना भागे और ऐसे आप लोग समाज की सेवा करते रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे मध्य एक और विशिष्ट अतिथि श्री नरेंद्र राणा जी कैरवाली, वो भी हमारे मध्य पहुंचे हैं। सतीश राणा जी, सॉरी माफी चाहूंगा, लेकिन उससे पूर्व मैं श्री आहूजा जी से, जो हमारे CMO हैं करनाल के, श्री अश्विनी आहूजा, डॉक्टर अश्विनी आहूजा जी, जो आज हमारे मध्य पहुंचे हैं, सबसे पहले तो मैं उन्हें बधाई दूंगा। जो इतना सुंदर और उत्तम कार्य हेल्थ सेक्टर में करनाल में हो रहा है, जिस तरह से देख रेख करी जा रही है और नए केसेस अब नहीं आ रहे पिछले 10 दिनों से, उसके लिए सबसे पहले तो आपके पूरे हेल्थ सेक्टर को, आपके सभी सेवादारों को हमारा सलाम, हमारा धन्यवाद। और मैं निवेदन करूंगा कि आप भी थोड़ा सा जागरूक करें, क्योंकि जैसे सरकार ने थोड़ी सी ढील दी है लॉकडाउन में, लोग दोबारा, कुछ लोग जो हैं वो उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट कर गए। तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप लोगों को इसमें मार्गदर्शन भी करें कि क्या चीजें खानी चाहिए, क्या चीजें नहीं खानी चाहिए, और किस तरह से संयम में घर में रहकर वो अपनी दिनचर्या का पालन करें। ये अच्छी बात है। सभी को मेरा नमस्कार। आत्म मनोहर जैन मंदिर द्वारा जो भी आज के दिनों में कोरोना महामारी के तहत जैसा लॉकडाउन हुआ है 3 मई तक, जैसा अब सबको पता है, सरकार भी अपने लेवल पे पूरा प्रयास कर रही है, भारत सरकार और हरियाणा सरकार, उसी तरह सभी विभाग लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ
मिलकर इस महामारी के ऊपर जितना कार्य कर रहे हैं, सब अपने अपने स्तर पर जितना भी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, सभी बधाई के पात्र हैं। पर्टिकुलरली मंदिर इधर जैन आत्मनोहर मंदिर की तरफ से जो ये सेवा दी जा रही है, 3,000 लोगों का खाना सुबह शाम यदि पहुंचाया जा रहा है, ये भी अपने आप में एक ह्यूमैनिटी के लिए बहुत अच्छी सर्विस है। जहाँ तक बात कोरोना पैंडेमिक की है, ये बात बहुत अच्छी है कि पिछले 10 दिनों से करनाल जिला में कोई भी केस डायग्नोज नहीं हुआ। इसमें स्वास्थ्य विभाग से ज़्यादा मैं यही कहना चाहूँगा क्योंकि एक डॉक्टर होने के नाते और मैं पैंडेमिक और एपिडेमिक के स्पेशलिस्ट के नाते जितना मैंने इसको चाइना से के मॉडल से लेके सभी विदेशों के स्टेटस को जानते हुए पढ़ के जितना मैंने एनालिसिस किया है, वो प्योरली और प्योरली हमारी भारत सरकार द्वारा राइटली समय पे जो लॉकडाउन करके स्टेप लिया गया, क्योंकि अभी तक इसकी कोई दवा नहीं बनी है, कोई वैक्सीन नहीं बनी है, सोशल डिस्टेंसिंग ही इसकी एकमात्र दवा और वैक्सीन है। उसी के तहत यदि हमने पिछले 6 केस करनाल में अब तक हुए हैं, उसके बाद पिछले 10 दिनों से कोई केस नहीं हुआ, तो ये प्योरली और प्योरली मैं समझता हूँ कि पब्लिक के सहयोग से, जनता के सहयोग से वो अपने घर में रहे, वो लॉकडाउन का पालना की। यदि 10-20% लोगों को जो पालना नहीं हो पाई, वो यदि हेल्थ डिपार्टमेंट घर पे बैठ जाएगा तो काम नहीं होगा। हम आपकी सेवा में तत्पर हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन आपकी सेवा में तत्पर है, इस तरह से संस्थाएं आप तक पहुंच रही हैं किसी न किसी कॉज के लिए। मैं आपसे पुनः विनती करूंगा कि लॉकडाउन की प्रक्रिया का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, रिपीटेड हैंड वॉश करें, और छोटे मोटे लक्षणों का या बीमारी का बहाना लेके बार बार इधर उधर ना जाएं। इससे आप स्वयं भी स्वस्थ रहेंगे और पब्लिक भी स्वस्थ रहेगी। यही संदेश देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे मध्य श्री सतीश राणा जी, जो कि जिला अध्यक्ष हैं भाजपा किसान मोर्चा के, और कंस्ट्रक्शन बिजनेस भी है इनका अपना, और एक अच्छे समाज सेवी हैं। हमारे को इनका सानिध्य और साथ सदैव मिलता रहा है। वह भी आज अपनी धर्मपत्नी जी के साथ यहाँ पहुंचे हैं हमारा उत्साहवर्धन करने, तो मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वह भी अपना संदेश जनता के बीच में दें। सबसे पहले मैं आत्मनोर जैन मंदिर में हमारे पीयूष मुनि जी महाराज, उनके चरणों में वंदना करते हुए सभी को यही संदेश देना चाहूँगा कि आज इस महामारी के दौरान जो पूरा विश्व इस महामारी से जूझ रहा है, और आज हमारे करनाल में जितने भी सामाजिक संस्थाएं पीयूष मुनि जी द्वारा जो 3,000 आदमियों का अन्न वितरण कर एक आयाम स्थापित किए, गरीब आदमी तक अन्न का दान पहुंचे, भोजन पहुंचे, यही हमारी सबकी सोच है। भी कोई गरीब परिवार भूखा ना रहे, कोई ऐसी व्यवस्था ना रहे कि इस देश में इस महामारी के समय कोई परिवार भूखा सोए, ऐसी व्यवस्था हमारे पूरे ज़िले में सामाजिक संस्थाएं द्वारा श्री मनोहर मुनि जी द्वारा जो एक कार्यक्रम चलाया गया, और जितने भी इस कार्यक्रम में हमारे साथी लगे हैं, मैं उनका भी चरणों में साधुवाद करते हुए उनको भी निवेदन करता हूं कि आप भी अपना स्वास्थ्य के प्रति कोई लापरवाही ना बरते, मास्क सैनिटाइजर वगैरह दूरी बनाकर, ये मेरा एक संदेश है कि आप लोग भी स्वस्थ रहे, तभी हम स्वास्थ्य की ओर आगे बढ़ेंगे, यही हमारा संदेश है। जय हिंद, जय भारत। हमारे बीच पूर्व डिस्ट्रिक्ट सिविल सर्जन डॉक्टर राकेश मित्तल जी, जो कि हमारे एक वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं, मतलब इनका सानिध्य, इनका आशीर्वाद, मार्गदर्शन हमें इस ट्रस्ट को हमेशा मिलता रहा है। मैं इनसे भी निवेदन करूंगा एज अ डॉक्टर, आप लोग जो भी मतलब जैसे आप बहुत सीनियर डॉक्टर भी रहे, तो आप जो भी संदेश देना चाहे प्लीज दीजिए। पहले तो मैं महाराज जी का आत्मनोर संस्था का पीयूष मुनि जी द्वारा चलाए गए इस अन्नदान 3,000 लोगों के लिए उनका धन्यवाद करता हूँ, और जनता को सरकार द्वारा जो लॉकडाउन के आदेश दिए गए हैं उसका बिल्कुल ईमानदारी से वो पालन करें, अपना वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रखें, पर्सनल हाइजीन की तरफ ध्यान दें अपना, और इस अपने कोरोना महामारी में अपना योगदान। धन्यवाद। राहुल जी एक मिनट आओ। श्लोक में ये बताया गया है कि संसार में
भोग और ऐश्वर्य की दो प्रमुख वासनाएं रहती हैं। राज्य शब्द से भोग और इसी तरह सिंहासन और ऐश्वर्य वैभव से व्यक्ति की अन्य कामनाओं को चिन्हित किया गया है, किंतु श्रेष्ठता इसी बात में है कि व्यक्ति इन सब आकांक्षाओं और कामनाओं से ऊपर उठकर गरीब, जरूरतमंद और अभावग्रसित लोगों की जहाँ तक मुमकिन हो सके, पॉसिबल हो सके, भलाई करने का प्रयत्न करे। दूसरों की भलाई में अपनी भलाई छिपी हुई है, तभी तो कहा गया है ही दैट डज गुड टू अनदर आल्सो डज गुड टू हिमसेल्फ। जो व्यक्ति दूसरों का भला करता है वह दूसरों का नहीं बल्कि अपना भला करता है, क्योंकि जो भलाई हम दूसरों के साथ करते हैं वह ट्रैवल करके लौट कर अनेक गुना अधिक होकर वापिस हम तक ही आती है। तो इसीलिए बंधुओं, सभी को संत महात्माओं के द्वारा दिए गए उपदेशों का पालन करते हुए अपनी शक्ति और ताकत के मुताबिक आप जितना भी दूसरों का भला और कल्याण कर सकें करने से कदापि संकोच नहीं करना चाहिए। करनाल के सिविल सर्जन CMO डॉक्टर अश्विनी आहूजा जी आज यहाँ पर उपस्थित हैं। उन्होंने भी पेंडेमिक में स्पेशलाइजेशन की हुई है और बहुत सुंदर उद्बोधन में उन्होंने सभी को सोशल डिस्टेंसिंग, पर्सनल हाइजीन और रेगुलरली हैंड वॉश करने और स्वयं को सैनिटाइज करने की प्रेरणा दी, और छोटे मोटे लक्षण आने पर उनकी लापरवाही ना करके किसी डॉक्टर से, चिकित्सक से सलाह लेकर शुरुआत में ही उन लक्षणों का निदान करके रोग से मुक्त होने की दिशा में प्रयत्न करने की प्रेरणा दी। हमारे पूर्व डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर राकेश मित्तल जी का भी इस संस्थान के साथ बहुत लंबे अरसे से गहरा जुड़ाव है, यही आज डॉक्टर अश्विनी आहूजा जी को भी यहाँ पर लेकर आए हैं। हरियाणा के पूर्व उद्योग मंत्री श्री शशिपाल मेहता जी जो करनाल के ही निवासी हैं और करनाल की सारी संस्थाओं के साथ बहुत आत्मीयतापूर्ण संबंध रखते हैं, इनका भी आज यहाँ पर आना हुआ। इसके अतिरिक्त हमारे समाज सेवी भाई श्री सतीश राणा जी जो जिलाध्यक्ष हैं किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी जिला करनाल के, साथ में कंस्ट्रक्शन बिजनेस में भी ये अपनी शोहरत और प्रसिद्धि रखते हैं, अपनी धर्म पत्नी के साथ यहाँ पर इस सेवा कार्य में अपनी आहुति अर्पित करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो मैं इन सभी महानुभावों को हार्दिक आशीर्वाद देते हुए यही मंगल कामना करता हूँ कि इसी तरह सेवा कार्यों में आगे बढ़ते रहें और जल्दी सारी धरती कोरोना के संकट से मुक्त हो, सब लोग सुख, चैन और आराम की सांस लें, सभी निरोग हों, सभी स्वस्थ हों। भारतीय संस्कृति कहती है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, किसी को कोई दुख और कोई तकलीफ कभी ना आए, यही मंगल कामना हम सभी करते रहेंगे तो सर्वत्र सुख और शांति का प्रसार होगा। ओम शांति। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.